अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.2, जिसमें दो डायगोनल और तीन शेडो का कॉन्सेप्ट है। हमने दो तो पार्ट इसके कर लिए, अब थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें रोम्बस बनाना है। बी एन बी एन बीच में ई छूट गया, यानी कि डायगोनल है। डी ई तो ये भी बीच में एन छूट गया, इसका मतलब ये भी डायगोनल। तो दो डायगोनल दे रखे हैं रोम्बस के केस में। अब ये कैसे ड्रॉ होगा? आसान है, आसानी से हो जाएगा। हमें कैसे ये बनाया जाएगा वो देखिए। रफ डायग्राम पहले इसका प्लॉट करते हैं। बी ई एन डी ये डायगोनल है और ये डायगोनल है हमारे पास है। तो जब दो डायगोनल दे रखे हो तो ये अलग सा ही कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप समझिए, मैं आपको बताता हूँ। वैसे एक बार इसकी लिख देता हूँ मैं कंस्ट्रक्शन, 5.6 सेंटीमीटर। अब ये रोम्बस भी नहीं बना है। ओके, अब इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। 90 डिग्री एंगल बनता है, डायगोनल हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं रोम्बस के। जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट ऊपर, इसको मैं मिला दूं तो ये रोम्बस हुआ। ऐसे है तो जो ये वाला जो है ज़्यादा बड़े वाला 6.5 सेंटीमीटर होगा, और जो छोटे वाला है वो 5.6 सेंटीमीटर है। दो डायगोनल बी एन बी ई एन डी, चलिए हो गया। सो हो गया। अब बी एन है वो 5.6 था, तो मैं इसको 5.6 कर देता हूँ। और जो ये डी ई था ये 6.5 था, तो ये 6 और ये 5, 6.5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 5.6 बेस लूँगा, नहीं ओड नंबर वाला बेस ले लेते हैं। तो ओड नंबर वाला बेस 6.5 है, उसका भी एक कारण है, बताऊंगा अभी। 6.5 सेंटीमीटर मैंने बेस लिया, साथ ही साथ बना लीजिए। और ये नाम था डी, 6.5 सेंटीमीटर। अब इसका हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, आधे से ज़्यादा, यानी कि अब आइडिया तो हो ही जाता है आधे से ज़्यादा कितना होगा। जैसे ये यहाँ पर है तो ये आधे से तो ज़्यादा ही है। इसको ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे, एक आर्क मैंने यहाँ से ऐसे लगाई और एक आर्क यहाँ लगाई, ठीक है, ऊपर और नीचे। एक फिर यहाँ से यहाँ लगाई और यहाँ लगाई, दोनों आपस में जहाँ पे काटती है वो पॉइंट लगा दूंगा मैं। ये पॉइंट लगा दिया और एक पॉइंट ये हो गया, इसको ज्वाइन करूँगा। डॉटेड लाइन लगाऊंगा फिलहाल तो मैं, हमें चाहिए था मिड पॉइंट, ये है मिड पॉइंट। यहाँ से अब मैंने कहा था ना कि आप ओड नंबर वाली लेंगे, यहाँ पे इवन नंबर वाली 5.6 है। बाकी अगर 6.5 की बजाय 5.6 लेते हो तो 6.5 का आधा कितना है, 2 3 6.25, 3.25, यानी कि 3.2 से थोड़ा सा ऊपर लेते हम। अभी 5.6 है तो 5.6 का आधा 2 2 4, 2 8 16, 2.8 सेंटीमीटर लेंगे। ये 2.8 आ गया, 2.5 6 7 8, ऊपर नीचे यहाँ पे किया, और 5.6 वाली जो पॉइंट है यहाँ पे, ये दो पॉइंट आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ से आर्क शो करने के लिए बीच में सेंटर में लिया और इतनी लेंथ खोल ली, थोड़ी सी आर्क शो कर देंगे यार, ऐसे कर दी और इसी तरह से यहाँ पर फर्क आया। ये तो ठीक है, 5.6 है, ओके। तो अब ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम इसके साथ मिलाएंगे,
और अगर 6.5 ये ना 3.2, तो 3.2 से थोड़ा सा ऊपर तक ये जैसे ये लिया है वैसे ही 3.2 समथिंग ऊपर लेते, 3.2 समथिंग नीचे लेते, तो टोटल तो 6.5 ही हो जाता ना डायगनल, और परपेंडिकुलर भी है एक दूसरे पर। दोनों डायगनल रोम्बस के और स्क्वायर के ऐसे होते हैं जो डायगनल्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर, लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में यही फ़र्क है कि रोम्बस के डायगनल्स छोटे बड़े होंगे लेकिन स्क्वायर के डायगनल्स इक्वल होंगे। तो मैंने ये वाला पार्ट डार्क कर दिया, डायगनल वाला पार्ट 6.5 सेंटीमीटर और ये 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा बन के तैयार हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये कैसे ड्रॉ किया। ठीक है ना, ये रफ डायग्राम तो ज़्यादा काम नहीं आया, क्योंकि ऐसे केस में जब रोम्बस हो तो दो डायगनल दे रखे हो तो सीधा सा ओड वाला नीचे ले लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, फिर जो इवन वाला है जैसे 5.6 था इसका आधा 2.8 ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे ये ऐसे, और फिर इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये रोम्बस बन जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए याद रखिएगा आधे से ज़्यादा खोल करके ऊपर नीचे लगानी है, और इधर भी। तो पहले डॉटेड लगाया था, जब हमारा काम हो गया तो फिर मैंने ये डायगनल को डार्क कर दिया। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का सम की कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट एक्सरसाइज की कंस्ट्रक्शन करेंगे 1, 2, 3 जितने भी पार्ट्स हैं। ओके बाय।